भारतीय सेना यानी राष्ट्र के प्रति निष्ठा, गौरव और अदम्य साहस की एक ऐसी मिसाल जो युद्ध और शांति दोनों में अपना फर्ज निभाती है। और उस सेना की ताकत है वो एक एक जवान जो जल थल और नभ में अपनी वीरता के जौहर दिखाता है, जिसकी एक अंगड़ाई से देश का हर दुश्मन थर्राता है। पर जीत की नींव तो अमर असंख्यक बलिदानों पर रखी जाती है। और अब समय है 1947 के बाद शहीद हुए उन हजारों वीरों के बलिदान के सम्मान का, जिन्होंने आजाद भारत की रक्षा के लिए अपने प्राण मातृभूमि को समर्पित कर दिए। सरकार में आने के बाद हमने वो फैसला लिया, अब वो पूर्णता पर है और फरवरी महीने में देश के वीर बलिदानियों जिन्होंने उच्च बलिदान दिया है, सर्वोच्च बलिदान दिया, ऐसे वीरों की स्मृति में भारत का एक राष्ट्रीय स्तर का वॉर मेमोरियल तैयार हो चुका है। इसके लिए दिल्ली के बीचों बीच इंडिया गेट के सामने एक भव्य राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया है। 40 एकड़ में फैले गोलाकार युद्ध स्मारक के 4 चक्र हैं। पेड़ों से बना रक्षा चक्र दिखाता है कि एक वृक्ष की भांति कैसे हमारे जवान भारतीय सीमाओं की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इसके बाद आता है त्याग चक्र, जो पत्थरों से तराशी गई 2 पंक्तियों का है और हर एक पत्थर अलग अलग युद्धों और सैन्य अभियानों में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले 26,000 महान बलिदानियों के नाम से रोशन हो रहा है। तीसरे चक्र यानी वीरता चक्र में दीवारों पर बनी कांसे की कलाकृतियों में भारतीय सेना के तीनों प्रभागों की वीरता की कहानी अंकित है। और इस स्मारक के बीचों बीच स्थित अमर चक्र में है अमर ज्योति, जो हर भारतीय शहीद जवान के शाश्वत शौर्य की गाथा कहती है। और यह 15 मीटर ऊंचा स्तंभ जो दिखाता है कि हमारे सशस्त्र सैन्य बलों का हौसला अडिग अटल है। और इस स्मारक के साथ एक पार्क है जो 21 परमवीर चक्र सैनिकों के साहस की कहानी कह रहा है। जिन्होंने तिरंगे की शान रखने को सर्वोच्च बलिदान दिया है, हमारे सुनहरे कल की खातिर अपना आज कुर्बान किया है। दिन हो या रात, माँ भारती पर न्योछावर हुए उसके बेटों का ये स्मारक हर पल भव्यता से सराबोर है। आज देश की प्रगति में उनकी वीर गति भी चमक रही है, जिन्होंने हंसकर अपने प्राण गंवाए, जो लौट के घर ना आए।